Brought to you by Howzat. Download the app now. केप टाउन टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया ने 223 रन बनाए, जिसके जवाब में मेजबान टीम 17 रन बनाकर एक विकेट गवा चुकी है। दिन भर के खेल के दौरान कप्तान विराट कोहली के शतक की उम्मीद बनी रही, लेकिन दूसरे छोर से आया राम गया राम का खेल चलता रहा और आखिरकार विराट 79 रन बनाकर आउट हो गए। देखिए पहले दिन का पूरा एक्शन। 17 रन पर एक विकेट खो चुका है दक्षिण अफ्रीका। भारत से अभी भी 206 रन पीछे है दक्षिण अफ्रीका। ये वो तस्वीरें हैं जो दिन का खेल खत्म होते होते टीम इंडिया के खेमे में राह देकर गई हैं। 10 रन पर ही दक्षिण अफ्रीका का पहला और सबसे बड़ा विकेट लेकर केप टाउन टेस्ट में टीम इंडिया पलटवार करने की ओर कदम बढ़ा चुकी है। जोहानिसबर्ग में भारत और जीत के बीच दीवार बन गए कप्तान एल्गर को सिर्फ 3 रन पर पवेलियन वापस भेज दिया। पहली पारी में 223 पर सिमटी थी टीम इंडिया। टीम इंडिया की शुरुआत झटकों के साथ हुई थी। 33 रन पर दोनों ओपनर लौट चुके थे। इसके बाद चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली ने टीम को मुश्किलों से निकालने की पूरी कोशिश की। पुजारा आक्रामक अंदाज में दिखे, जबकि विराट कोहली गजब के धैर्य के साथ जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन पुजारा 43 रन बनाकर जैनसन के शिकार बन गए। रहाणे तो कब आए कब चले गए पता ही नहीं चला। लड़खड़ाते ऋषभ पंत 27 रन जरूर बना गए, लेकिन उनका शॉर्ट सिलेक्शन फिर उन पर सवाल खड़ा कर गया। 79 रन बनाकर लौटे विराट, फिर शतक से चूक गए विराट। वैसे कप्तान शुरू से सावधान थे, खतरा बढ़ाती गेंदों को न छूने की जैसे कसम खाकर आए थे विराट। उनके इस संयम ने सिर तक सनसनाती गेंदों को छोड़ देने में विराट की मदद की। विराट अड़े रहे, जमे रहे और बाहर की गेंदों को छेड़ने से बचते रहे। ऐसा भी नहीं कि विराट जरूरत से ज्यादा डिफेंसिव थे, उनके कई दिलकश शॉट्स मेजबान की परेशानी बढ़ा रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर कोई नहीं टिका, कोई भी नहीं, न लोअर मिडिल ऑर्डर न टीम। आखिरकार 201 गेंदों पर 79 रन की विराट की पारी भी थम गई और टीम इंडिया मिशन 300 से 77 रन दूर रह गई।